आज हम नींबू सानने वाले हैं। ये रहे नींबू और ये रहा गुड़ का पानी। तो अभी दिखाते हैं आपको कि कैसे पहाड़ में नींबू साना जाता है धूप में। अभी बढ़िया धूप हो रही है, करीबन बज रहे हैं हमारे 1:15 हो रहा है और अभी हम नींबू सानने के लिए सबसे पहला कार्य जो करना है वो करना है भांग को भूटना, बिल्कुल भुनना है इसे। अभी उठा रहे हैं हम धनिया, इसको भांग के नमक के साथ, नमक मिर्च, और इसको है सिलबट्टा। इसमें अभी भांग, नमक और धनिया, लहसुन के पत्ते सबको भूटेंगे, मतलब सबको पीसेंगे। सिलबट्टे में इनकी अभी पिसाई हो रही है। इसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा नमक भांग का। ये तैयार हो गया है भांग का नमक, और ये रहा गुड़ और चीनी का पानी, और अब ये है नींबू जिसको हम आगे छीलेंगे। अब फिर आगे दिखाते हैं। ऊपर की खाल छीलने के बाद ये आता है हमारा, इसको कहते हैं बाद, और इसको भी खाया जाता है, बहुत मीठा होता है ये। ठीक है, ये हमने छील लिए हैं दो नींबू और दो माल्टा। ये हमारा नमक तैयार है, अब इसको करते हैं मिक्स काट के। और ये अब हम इनको मिक्स करेंगे भांग के नमक के साथ, और इसके ऊपर डालेंगे हम अपना चीनी और गुड़ का जो हमारा मिक्सचर था उसको। ये रहा नींबू, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके नमक के साथ मिक्स करना है बस। माल्टा और नींबू के छोटे छोटे पीस हो जाने के बाद उसको हमने जो भांग का नमक था, चीनी और गुड़ के पानी के साथ मिक्स कर दिया, और मिक्स करके हमारा जो नींबू होता है वो तैयार हो जाता है। और यहाँ से मुझे वीडियो बनानी नहीं दी थी क्योंकि जो होता है उसको बनाने के एकदम बाद ही जल्दी जल्दी खाना पड़ता है और उसके बाद कड़वा हो जाता है, इसलिए सबने जल्दी से खाना शुरू कर दिया था और मुझे वीडियो बनानी नहीं दी थी क्योंकि सब लोग आ गए थे खाने के लिए तो वीडियो बना नहीं पाए थे। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी हमारी ये वीडियो है छोटी सी ये पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आ गई तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर ज़रूर करना, और साथ ही वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसे ही हम पहाड़ की लाइफ और पहाड़ में जो भी होता है उस चीज़ को दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।